हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाई एक ऐसी समस्या है जो आपकी खूबसूरत स्किन को, आपके खूबसूरत चेहरे को संपूर्णता का एहसास देने से रोकती है। आपको महसूस होता है कि कहीं कुछ कमी है हमारे चेहरे पे, और उससे कुछ महिलाएं हीन भावना से भी ग्रस्त रहती हैं और उसके लिए पीलिंग से लेकर दुनिया भर के इलाज करने का प्रयास करती हैं। मैं आपको बताता हूँ साथियों एक खूबसूरत सा नुस्खा जो 2 रुपए में तैयार होगा और आपके चेहरे के झाई को 1 महीने के अंदर ख़त्म करेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चेहरे पे झाई की। झाई एक बहुत बड़ी समस्या है जो एक खूबसूरत चेहरे को, एक साफ स्किन को, क्लियर स्किन को खराब कर देती है और एक मानसिक रूप से हमारे समाज की, परिवार की महिलाओं को खास तौर से, विशेष तौर पर परेशानी दे देती है। इसके लिए आप तमाम ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारे क्लिनिक भी तमाम मरीज आते हैं, जो कोई पीलिंग करा के आता है, कोई बुटॉक्स करा के आता है, कोई कुछ करा के आता है, और वहाँ उन इन्वेसिव इलाजों का पीड़ित व्यक्ति होता है। कहने का मतलब बात यह है कि झाई जो चेहरे पे आती है इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाता और इससे बहुत से हमारे समाज की महिलाएं, परिवार की महिलाएं परेशान और चिंतित रहती हैं। हम आपको बताएंगे साथियों ऐसा 1 रुपए में तैयार होने वाला या 2 रुपए के अंदर तैयार होने वाला नुस्खा जो आपके चेहरे से झाइयों को 1 महीने के अंदर ख़त्म करने में सहायक होगा। बहुत आसानी से आपके चेहरे की झाई ख़त्म होगी। बस एक बात ज़रूर है साथियों, झाई अगर आपको अपनी स्किन को चमकाना है तो आपको अपनी स्किन के लिए केयर करनी पड़ेगी और स्किन की केयर करने के लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर करनी पड़ेगी। अगर आपका डाइजेशन सही होगा तो आपका चेहरा चमकेगा। ये एक गोल्डन रूल है स्किन को बेहतर रखने का। तो अपने डाइजेशन को इंटैक्ट रखें और डाइजेशन को ठीक रखने के लिए आपको बहुत विशेष कोई बातें नहीं करनी है, 3-4 बातों का ख्याल रखें, आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। पहली बात साथियों, रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं। दूसरी बात, खाने के 40 मिनट पहले और बाद में पानी ना पिए, मतलब 40 मिनट पहले और बाद में पानी पिए, उस बीच में ना पिए, खाने के 40 मिनट बाद या पहले पानी मत पिए। तीसरी बात, केवल आटे में व्हीट ग्रेन के अलावा आप मल्टीग्रेन, बेसन, बाजरा, जौ, चना, मिक्स आटे की रोटी खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चौथी बात साथियों, खाने को चबा के खाएं, च्यू करके खाएं, आराम से खाएं, सुकून से खाएं, तो इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपकी झाई भी ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। अब जो पहले से हमारे साथियों के किसी के चेहरे पर झाई है तो वह दूर करी जा सकती है। हम आपके उसके लिए बताते हैं अचूक नुस्खा, बहुत ही कारगर नुस्खा साथियों। अगर आपके चेहरे पर झाई है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपने किचन से जुटा लेना है एक टोमेटो। उस टोमेटो को आपको क्रश कर लेना है, कूच देना है, कूच के उसके जूस आपको निकाल लेना है, सूप नहीं, जूस, कूच के उसका जूस आपको निकाल लेना है और इस जूस में डाल देना है आपको आधा चम्मच ओटमील, आधा चम्मच आपको ओट्स डाल देना है और आपको डाल देना है आधा चम्मच दही यानी योगर्ट। 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ हो गई आपने जो इस्तेमाल करी इस इंग्रेडिएंट की, वह हो गई टमाटर, दूसरी चीज़ हो गई ओटमील और तीसरी चीज़ हो गई आपका योगर्ट यानी दही। इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके जहाँ जहाँ आपके झाई के पैचेस हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आपको उसको लगा देना है।
इसको लगा के आपको छोड़ देना है तब तक जब तक ये सूख ना जाए। उमन 15 मिनट में यह सूख जाता है, आप आधे घंटे बाद अपने चेहरे को धो लें। इस मिक्सचर को आप प्रतिदिन लगाएं, एक महीने तक लगाएं, आप देखेंगे कि आपकी झाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी। बहुत ही अचूक नुस्खा है साथियों ये, इसको आप करिए। और हम आपको साथियों यह भी बताते हैं कि यह क्यों काम करेगा। यह नुस्खा साथियों इसलिए काम करेगा कि क्योंकि जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है टोमेटो, उसमें पाया जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कैटेनॉइड है जो आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और यह बहुत कारगर होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ के डेड सेल्स, ड्राई पैचेस स्वतः ख़त्म होने लगेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है वह आपको बताया गया है, वह है ओटमील। ओटमील में साथियों सेपोनिन्स नाम का कंपाउंड पाया जाता है और यह जो सेपोनिन्स होते हैं यह नेचुरल क्लेंजर होते हैं। यह डेड सेल्स को आपकी स्किन की हटाते हैं और आपको लाभ देते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो योगर्ट है साथियों, योगर्ट में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHA पाया जाता है जो कि आपके सेल्स को क्लीन करता है, जो डेड सेल्स होते हैं, और आपकी स्किन को साफ करता है। इस तरह इसके एप्लीकेशन से आपको लाभ मिल सकता है। आप साथियों इस नुस्खे को करिएगा और हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा कि आपको इसके एप्लीकेशंस का अनुभव कैसा रहा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। और साथियों जब हमारी बात हो तो होम्योपैथी की भी बात होनी चाहिए। तो होम्योपैथी में साथियों हाइपरपिगमेंटेशन की दो बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। पहली दवा है सीपिया, दूसरी दवा है कॉलोफाइलम। सीपिया 32 मिनट के अंतर पर दिन में 3 बार और कॉलोफाइलम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह भी आपके हाइपरपिगमेंटेशन को दूर करने में मदद करेंगी। बस निवेदन यही है कि कुशल चिकित्सक से पूछ के ही दवा लीजिएगा। निवेदन करते हैं साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे क्लिनिक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।